गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनआईयू का चैप्टर 14 सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 14.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। आपको ये फर्स्ट और ये सेकंड दो फिगर यहाँ पे दिए हैं। इसमें पी क्यू वाली साइड जो है वो बी सी के पैरेलल है, इसमें भी पी क्यू बी सी के पैरेलल है। आगे कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स इस साइड की लेंथ है, आपको दिख रहा होगा ये साइड आपको दी है 3 सेंटीमीटर, ये आपको दी है यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 4.5 है, लेकिन ये वाली साइड जो है ये नहीं दी है आपको, तो ये आपको फाइंड करनी है। इसको एक्स बोल रहा है वो, वैसे यहाँ पर ये तीनों साइड दी है, यहाँ पर एक्स बताना है आपको। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिमिलैरिटी क्या होती है और ये जो यहाँ पर गिवन वैल्यू है ये किस वजह से दी है। ओके, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए बच्चे, सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि एक जैसी दिखने वाली चीज़ें जो दिखने में एक जैसी हो, साइज़ बड़ा छोटा हो चलेगा लेकिन दिखने में वो एक जैसी हो तो वो सिमिलर हो जाएंगी, उनको सिमिलर कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो वो इतनी छोटी होगी, थोड़ा मतलब लगभग इतना मान लीजिए उसको कि उसका साइज़ इतना होगा। आपने उस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का एक बड़ा फ़ोटो बनवाया फ्रेम के साथ, तो साइज़ में डिफरेंस है, ये साइज़ का छोटा है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो फ़ोटो होगी वो दोनों एक जैसी होंगी क्योंकि आपने इसी फ़ोटो को बड़ा करके बनवाया है। तो ये जो फ़ोटो होगी और ये जो फ़ोटो होगी ये शक्ल में बिल्कुल एक जैसी होंगी, तो ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर फिगर। ये दोनों इक्वल नहीं है, सिमिलर का मतलब इक्वल होना नहीं होता, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखना। ठीक है, तो वो इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि उनके एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। हम ये कहेंगे कि वो हर एंगल से एक जैसी दिख रही है, तो मतलब उनके एंगल्स सेम होंगे और उनकी जो साइड होगी वो प्रोपोर्शनेट होगी। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि इन साइड्स में जो पेयरिंग हो रही है वो आपस में एक खास रेशियो से जुड़ी होगी, यानी वो सारे रेशियो इक्वल होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये इसका सिमिलर है, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल है। मान लीजिए ये साइड इसमें 3 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है और ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 6 सेंटीमीटर की है, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। देखिए ये दोनों फिगर ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, एक तो मान लीजिए इनका जो ये एंगल है, ये दोनों ये एंगल इक्वल है, तीनों मतलब एंगल आपस में इक्वल है। तो जैसे मान लीजिए ये होगा 60 मान लेते हैं इसको, 60 70 80 कुछ भी मान लेते हैं, तो मान लीजिए ये भी 60 होगा, 70 होगा, ये 80 होगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बट समझ लीजिए ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये 70, ये 70, ये 80। तो एंगल से तो हमने देखा कि ये दोनों एक जैसे हैं, एंगल तीनों के तीनों एंगल जो है इन दोनों के एक जैसे हैं। एक तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए सिमिलर के लिए। दूसरा, आप इनकी साइड को मैच कीजिए, देखिए दिस अपॉन दिस ये आ रहा है 3/6, दूसरा पेयर उठाइए 5/10, तीसरा पेयर उठाइए 4/8, आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएंगे। देख रहे हैं आप, तो इनके जो साइड हैं वो भी आपस में फिक्स रेशियो से जुड़े हुए हैं। देखिए आप, देख रहे हैं आपको रेशियो फिक्स है 1/2 1/2 1/2। तो सिमिलर का मतलब होता है कि शक्ल में एक जैसा होना, साइज बड़े छोटे हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल देखा होगा जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बड़ा भी हो सकता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल छोटा भी हो सकता है। तो ये तीनों भी 60 है और ये तीनों भी 60 है, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर साइड का है तो इसकी सारी साइड 3 सेंटीमीटर होंगी, और अगर ये 5 सेंटीमीटर साइड का है तो इसकी सारी साइड 5 सेंटीमीटर होंगी। तो आप देखिए इनका रेशियो बनेगा 3/5 3/5 3/5, ठीक है। तो ये तो होती है सिमिलैरिटी। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपको दिया था कि जो पी क्यू साइड है वो बी सी साइड के पैरेलल है और आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। इसके लिए बच्चे ये साइड पैरेलल इसके दी है, इसके पीछे एक रीज़न है, उसका नाम होता है बी पी टी,
बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, बीपीटी आपने सुना होगा, उसके थ्रू हम इस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी साइड के पैरेलल आप दूसरी साइड बनाएं, मतलब जैसे मान लीजिए आपने इस साइड के पैरेलल ये बना दी, आप इसके पैरेलल यहाँ पर भी बना सकते हैं, तो हम किसी भी साइड के पैरेलल की बात करें, अगर किसी साइड के पैरेलल कोई साइड होगी, मान लीजिए इस एक ट्राइंगल था, इसके पैरेलल हमने ये साइड बनाई, तो वो इन दोनों को, ये साइड को जिस हिसाब से बांटेगी, इस साइड को भी उसी हिसाब से बांटेगी कि इनका रेशियो इक्वल होगा। समझे आप? मतलब जैसे मान लीजिए ये था 3 5, तो ये हो जाएगा 6 10, तो आप देखेंगे 3/5 इज इक्वल्स टू 6/10। क्या आ रहा है? देखिए 2 3 6, 2 5 10, देखिए आ रहा है। तो ये कहता है बीपीटी कि ये साइड का जो रेशियो होगा वो इस साइड के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल थी, ये कहता है बीपीटी। ओके, तो अगर इसको मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी और यहाँ पर डी ई, तो इसका मतलब है कि डी ई अगर पैरेलल है बी सी के, डी ई अगर पैरेलल है बी सी के, तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर ये पैरेलल दिया है। हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा कि अगर ये पैरेलल है तो ये बात ट्रू होनी चाहिए, या होगी ही होगी, तभी वो पैरेलल हुई होगी। समझे आप? अगर ये पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। ओके, अब इसका रिवर्स भी कर लेते हैं हम लोग, मतलब इसको उल्टा बोलें अगर हम लोग, तो हम कहेंगे कि अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो ये लाइन इसकी पैरेलल होगी जिस लाइन ने इनको ऐसे काटा है। समझे आप? हमने कहा था कि अगर लाइन पैरेलल है तो वो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। तो उल्टा कह लेते कि अगर किसी लाइन ने इस तरह से काटा है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, तो वो लाइन उस साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, तो दोनों बातें ट्रू हैं। तो बस यही रूल हमें यहाँ पे लगाना है। फर्स्ट, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले इसका। देखिए, इन ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट है ए बी सी, गिवन है हमें पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो हम कहेंगे ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये ए क्यू अपॉन क्यू सी वैल्यू रख लेंगे। ए पी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर अपॉन पी बी हमारे पास है 4, ए क्यू हमारे पास है 4.5 और क्यू सी हमारे पास है x। ओके, अब इस x को इधर ले जाते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाई बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल तो आपको पता होगा। x को अकेला करेंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन में 3, पॉइंट हटाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 30, तो 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, तो 2 से 2 टाइम्स, तो 3 2 ज़ा x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट भी सेम ही है, इन ट्राइंगल ए बी सी गिवन है हमें पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो क्या होगा? ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू होना चाहिए ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, वैल्यू रखेंगे, ए पी की वैल्यू है 3.5 अपॉन पी बी 4, ए क्यू हमारे पास है 5.25 और अपॉन में एक्स, एक्स इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 x इज इक्वल्स टू 5.25 मल्टीप्लाई बाय 4, एक्स अकेला रहेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5.25 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3.5। ओके, अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ऊपर एक जीरो बढ़ाइए, डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो नीचे दो जीरो बढ़ाइए। ओके, अब ये हो जाएगा 5.25, ये हो जाएगा 30, तो 5.25 को हम 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 25 4 ज़ा 100 और 25 2 ज़ा 50, 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, 25 1 ज़ा 25 और 4 से 4 कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पर 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 7 से ये 3 टाइम्स, 3 2 ज़ा 6, x की वैल्यू आ गई 6,
ओके तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर फाइंड वेदर डी ई इज पैरेलल टू बी सी और नॉट। जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है या नहीं है ये आपको पता करना है। बोला आई गिव रीजन फॉर योर आंसर, और जो आंसर आपका होगा उसके लिए आपको वजह भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये गिवन नहीं है, ये दिया नहीं है कि ये इसके पैरेलल है, ये आपसे पूछा है कि क्या ये इसके पैरेलल है। आपको गिवन जो दिया है वो आपको वैल्यू जो दी गई है वो देखिए ये है कि ये साइड की लेंथ आपको दी है 3, इस साइड की लेंथ आपको दी है यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये इसके पैरेलल है, तो अगर ऐसा होगा तो इन साइड का रेशियो इन साइड के बराबर होना चाहिए। समझे आप, कि अगर ये पैरेलल होगी तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। तो हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं। जो हमने भी पिछला क्वेश्चन जो किया था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमने कहा था कि अगर ये पैरेलल होती है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है। तो हम ये चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर आ रहा है। अगर वो आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल है, क्योंकि इसी साइड ने तो इनको डिवाइड किया है इन हिस्सों में। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। अभी हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, 3/4.5 और यहाँ पर होगा 4.5/5.75। दोनों का रेशियो चेक कर लेते हैं, तो ये डेसिमल हटा देते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं, 15 2 30, 15 3 45, तो यहाँ पे तो आ गया 2/3। डेसिमल हटाते हैं, 20 ऊपर बढ़ा देते हैं, डेसिमल हटाते हैं, 10 नीचे बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 45 × 100/575 × 10। 0 से 0 कैंसिल। अब 25 से चलिए 5 से कर लेते हैं, 5 9 45, 5 11 55, 2 बचेगा, 5 5 25, तो 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, तो ये आ जाएगा 18/23। देखिए आप 9 2 18/23, यहाँ पे 23। अब आप देखिए ये तो प्राइम नंबर है 23, तो इसके टेबल में तो ये आता नहीं होगा, तो हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन जो बचा वो 18/23 है। ठीक है, जबकि यहाँ पर 2/3 आ रहा था, तो ये दोनों रेशियो तो इक्वल नहीं है। आप चेक कर सकते हैं 2/3 18/23 के बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल होने की कंडीशन यही है कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल आना चाहिए। तो हम कहेंगे फ्रॉम अबव कैलकुलेशंस AD upon DB is not equals to AE upon EC, so that DE is not parallel to BC. ये आपका रीजन। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन टू हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।